तो आज की हमारी तो ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज के, थोड़ा से बेसिक आता हूं मैं, रेंज फॉर्मेटिंग का टॉपिक है लेकिन थोड़ा से बेसिक आता हूं। हमने आपको बताया था कि जब भी हम कोड लिखते हैं तो चार पहली चीजें आती हैं। पहला आता है एप्लीकेशन, दूसरा आता है आपका वर्क बुक, तीसरा आता है सीट और चौथा आता है रेंज। तो हमने बताया कि जो एप्लीकेशन की अगर सेटिंग करनी हो तो उसके लिए एप्लीकेशन यूज करते हैं, वर्कबुक की सेटिंग करनी हो तो वर्कबुक यूज करते हैं, और शीट की सेटिंग को मतलब फाइल के ऊपर फाइल को ऐड करना, सेव करना, क्लोज करना, तो वर्कबुक इस्तेमाल करते हैं, और शीट के लिए हम शीट का इस्तेमाल करते हैं, जो शीट हमारा है उसका इस्तेमाल करते हैं, शीट को ऐड करना, डिलीट करना, रिनेम करना, कॉपी करना वगैरह वगैरह। रेंज, रेंज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि रेंज के ऊपर हम सारी चीजें रेंज के ऊपर ही करते हैं। सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट कैसे करें, मतलब कि मुझे A1 पे कर्सर रखना है तो A1 के ऊपर हम कर्सर कैसे रखेंगे, तो उसके बेसिकली दो तीन मेथड है वो सीख लीजिए। सबसे पहला है हमारा कि हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज A1.select। तो क्या करेगा, A1 पे जाएगा, कर्सर को रख देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका A1 अल्फाबेटिक है तभी ना, मान लीजिए कि रो है भाई, एक नंबर रो और तीन नंबर कॉलम, तो उस केस में हम यहाँ पे सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स 1, तीन नंबर रो एंड एक नंबर कॉलम है डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा कि तीसरे नंबर रो पे और एक कॉलम पे आएगा। अब कॉलम को एक की जगह मैं चार कर दूं तो क्या करेगा, यहां से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 यहां पे वैल्यू आ जाए, यहां पे कर्सर रख देगा। तो नंबर के अकॉर्डिंग चलने के लिए हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और A1, V1, C1 है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे A1 में कुछ टाइप करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेंज A1.value। जो भी टाइप करना है, जैसे मुझे टाइप करना है मान लीजिए कि नेम, तो इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे क्योंकि टेक्स्ट है। अगर नंबर होता तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो किसी किसी सेल पे टाइप करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग की, तो जैसे कि मैंने यहां पे लिख रखा है नेम, मैं लिख रखा हूं रोल नंबर और लिख रखा हूं मार्क्स, तो मुझे इन तीनों पे मान लीजिए जो है एरियल का फॉन्ट लगाना है। अभी कैलिबरी है, एरियल फॉन्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो पता करना होगा कि हम तीनों को सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि अभी जो मैंने बताया कोड वो सिर्फ एक A1 को सिलेक्ट करता है, मुझे A1 से C1 को सिलेक्ट करना है। तो A1, C1.select एक कोड करेंगे। सचिन जी समझ में आ रहा है आपको ना, सेल्स वाला जो अभी तो सेल्स वाला चल नहीं रहा है क्या, जो सेल्स 3, 4 है ना, हाँ वो मतलब कि ये जो हम नंबर लिखते हैं उसके लिए है क्या? हाँ जैसे कि नहीं, कभी कभी क्या है मैच फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो मैच फॉर्मूला क्या करता है, रो नंबर देता है ना, क्या रो नंबर कॉलम नंबर। तो आगे चल के अगर मान लीजिए कि आपको रो नंबर मिला, कॉलम नंबर मिला, नंबर मिला, A1 B1 C1 नहीं है, दूसरा नंबर रो सतवां कॉलम से इंडेक्स में देते हैं हम लोग, ऑफसेट फॉर्मूला में देते हैं ना, मैच फॉर्मूला में देते हैं जी। तो उस केस में इसका यूज करेंगे, ये आगे हम समझाएंगे आपको। बस तरीका है कि अगर आपके पास A1 B1 C1 है तो आप इस मेथड को यूज करें, आपके पास 1, 2, 3 है तो इसका यूज करें। सर जैसे ये वैल्यू डॉट वैल्यू और इक्वल ये नेम है तो और उसमें मतलब कुछ मतलब नेम वगैरह फिल करना पड़ेगा? नहीं जैसे कि मैं A1 के ऊपर कुछ टाइप करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं कर्सर इस पे ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए G1 पे कर्सर ले गया और मैं टाइप कर दिया दिल्ली, राइट? तो इसके लिए हम कोड अगर मान लीजिए VVA के थ्रू करना पड़ा तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे कि रेंज H1 डॉट
वैल्यू इक्वल टू दिल्ली, समझे? अब समझ आया? तो इनवर्टेड कॉमा के बीच में मैं कोई भी वर्ड लिख सकता हूं। तो सर अगर H1 लिख दिए हैं वहां पे दिल्ली लिख दी तो दिल्ली की जगह वहां पे तो अभी दिल्ली लिख दी है, लेकिन वहां पे अगर कुछ और लिख दी तो नहीं लेगा? वहां पे अगर पहले से कुछ हुआ तो उसको रिप्लेस कर देगा ना। अच्छा ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए अभी कुछ वैल्यू लिखा हुआ है तो हम उसको चेंज करते हैं ना, इसको कर्सर रखते हैं और पुणे कर देते हैं, कर देते हैं ना, बीवी भी वही करेगा। ठीक है, हाँ अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो, प्रोटेक्ट हुआ तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक समझ आया सर? आगे बढ़े। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है ए हो गया। तो हमने बोला, हमने सिलेक्ट कर लिया, बस मुझे इसका फॉन्ट अप्लाई करना है। तो हम यहां लिखेंगे कि रेंज ए वन से लेके सी वन डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू एरियल। समझ गया? तो ए क्या करेगा कि ए आपका इन तीनों का फॉन्ट यहां से एरियल कर देगा। ओके, मैं इसकी साइज भी, मैं इसकी साइज जो 14 करना चाहता हूं, तो मैं इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करता हूं, बस इसमें फॉन्ट के बाद साइज आ जाएगा, साइज इक्वल टू 14। तो एक कोड क्या करेगा, यहां पे आपका जो 14 है ना, इसको 14 कर देगा यहां पे। मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूं तो सेम यहां पे क्या होगा, कोड आपका सेम रहेगा, सिर्फ हम यहां फॉन्ट के बाद लिखेंगे डॉट बोल्ड, क्योंकि बोल्ड आपको फॉन्ट में आता है ना। ट्रू अप्लाई करना है तो ट्रू, डिसअप्लाई करना है तो फॉल्स। अब यहां पे एक चीज और है कि मुझे इसको इटैलिक भी करना है तो इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, या बीच बीच मुझे इसकी लाइन काटनी है, स्टिक थ्रू होता है ना, स्ट्राइक थ्रू, इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, समझे? तो फॉन्ट में क्या करते हैं, हम फॉन्ट का नेम चेंज करते हैं, हाँ फॉन्ट की कलर, कलर भी तो चेंज करते हैं ना सर। तो कलर का देख लीजिएगा, फॉन्ट डॉट कलर, कलर में आप दे सकते हैं वीवी रेड, ग्रीन, ब्लू, श्याम, मजेंटा, चार पांच कलर दे सकते हैं, या फिर डॉट कलर इक्वल टू आप कर सकते हैं आर जी वी, और यहां पे उस आर जी वी का नंबर दे दे। अब बोलेंगे सर ये नंबर आर जी होता है रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि मेन कलर तो तीन ही होते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू, उसी से सारा कलर बनता है क्या सर? यही होता है ना? हाँ सर जी सर, प्राइमरी यही है, प्राइमरी यही है। तो आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो इसका मदद आपको एक्सेल करेगा, एक्सेल में मोर कलर में आएंगे तो यहां आपका कस्टम में आर जी बी जो कलर सेलेक्ट करेंगे उसका आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, वो अप्लाई हो जाएगी आपकी। सर ये कोड भी लिख सकते हैं जो आर जी बी के नीचे कोड था कुछ? नहीं वो नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ दूसरा है, आप यहां पे ये कर सकते हैं कि डॉट कलर इंडेक्स इक्वल टू आप 0 से 55 तक का एक नंबर होता है वो कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो कलर इंडेक्स इसके लिए आपको इसका हेल्प पे जाना पड़ेगा, यहां हेल्प दिख रहा है ना सर आपको, इसके हेल्प पे क्लिक करें। और यहां सर्च पे कलर इंडेक्स सर्च करें,
ये रहा, दिख रहा है सर? तो कलर इंडेक्स में हमने बोल दिया 25, तो 25 पे कौन सा एक कलर दे देगा, 40 कलर के एक कलर देगा, 49 पे ये देगा, तो एक 1 से लेके 56 तक, 1 आपका ब्लैक है, 3 आपका रेड है, 4 आपका ब्लू है, 6 आपका, 5 आपका ब्लू है, ग्रीन है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, जो क्योंकि हम लोग कलर तो कुछ सिलेक्टेड 3-4 कलर यूज करते हैं ना जनरली, क्या सर? तो कलर याद रख लीजिए। तो ये फॉन्ट में हुआ। तो एक चीज और यहाँ पे है कि मुझे जो है हर लाइन में, जितने भी लाइन है हर लाइन में मुझे इतना ए जो है आपका यूज करना पड़ा, रेंज A1 से C1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। अब क्या है कि रेंज A1 से C1 तो सिंपल था, तो आपने लिख दिया, आगे चल के आपके डायनेमिक रेंज होंगे, मतलब जितना बड़ा डेटा उसके हिसाब से आप रेंज को कैलकुलेट करेंगे, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ शॉर्ट में होना चाहिए। तो एक कमांड है विथ, आगे चल के इसका बहुत यूज होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो विथ कमांड के अंदर में आप अपना ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको सिर्फ डॉट करना है, डॉट नेम। तो आपको जैसे मैंने यहां पे दे दिया एरियल, डॉट फॉन्ट में यहां पे मैं करता हूं बोल्ड इक्वल टू ट्रू, डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू, डॉट अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू, डॉट। तो ये जो जो चीजें हमने डाली है ना, वो सारे चीज यहां पे आप डाल सकते हैं। लास्ट में जब आपका सब खत्म हो जाए तो एंड विथ कर लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाला मेथड को यूज करें या इस मेथड को यूज करें। क्या बोले सचिन जी, कौन सा मेथड सही है? सचिन जी भी आवाज आ रही है आपको? तो नीचे वाला बेस्ट है सर। हाँ सर, लेकिन इसमें बाउंडेशन है क्या? क्योंकि ये जो भी आप आपका सब कुछ सेम होना चाहिए, सब पे सेम होना चाहिए। अब पता चला कि मैं यहाँ A1 से C1 नहीं C10 करना चाहता हूँ, या फॉन्ट नहीं मैं इटैली यहाँ पे मान लीजिए कि मर्ज करना चाहता हूँ, तो फिर विथ कमांड के अंदर में नहीं डाल सकते, ठीक है? मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे मुझे कई सारे मेंबर अप्लाई करने हैं, तो आपको हर एक लाइन में उस ऑब्जेक्ट का डिटेल देने की जरूरत नहीं है अगर आप विथ कमांड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अब हमने बोला फॉन्ट की, हमने फॉन्ट आपको समझा दिया कि फॉन्ट का यूज कैसे होता है। फॉन्ट के बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। यहां से जो बैकग्राउंड कलर देते हैं ना सर, ये बैकग्राउंड कलर यहां से देते हैं, इसका क्या कोड होगा? तो किसी सेल पे अगर बैकग्राउंड कलर देते हैं तो उस पर लिखना होगा रेंज A1 से C1 या जो भी एरिया है बड़े फॉर्म में डाल दीजिए, डॉट इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर में डॉट कलर, कलर या कलर इंडेक्स दो चीज डाल सकते हैं, ठीक है? तो हमने यहां पे कलर डाला इक्वल टू बीवी ग्रीन। तो कलर मेथड आप इंटीरियर पे यूज करें या फॉन्ट पे यूज करें सेम होता है। कलर जहां भी इस्तेमाल करेंगे ये तीन चीजें, एक तो आप कलर डायरेक्ट डाल दीजिए बीवी के अकॉर्डिंग, RGB डाल दीजिए या फिर कलर इंडेक्स डाल दीजिए, समझ गए जी? तो बैकग्राउंड कलर करना आ गया जी सर। बैकग्राउंड के बाद अगला आता है फॉन्ट। तो मुझे मान लीजिए फॉन्ट नहीं से बॉर्डर, मुझे यहां पे A1 से लेके C10 तक को बॉर्डर देना है, यहां पे बॉर्डर कर दीजिए, बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1 कर दीजिए। मुझे बॉर्डर चाहिए लेकिन मुझे ग्रीन नहीं, मुझे ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए। तो इसी में आप नीचे नीचे क्या करेंगे,
डॉट लाइन स्टाइल के जगह पे लाइन स्टाइल के जगह पे डॉट कलर करेगी, कलर या कलर इंडेक्स इक्वल टू वीवी ब्लू। तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर का बॉर्डर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो आपको बॉर्डर अप्लाई करना भी आ गया जी। उसके बाद मान लीजिए मुझे अलाइनमेंट वगैरह करना है, जैसे तो इसको रिकॉर्डिंग करके भी देख सकते हैं, जैसे अगर किस्मत में ना आए तो रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर लिया, अब सारे कोड यहां पे आ जाएंगे। देखिए कि यहां पे अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए, एक्सेल सेंटर लेफ्ट राइट, और वर्टिकल अलाइनमेंट में एक्सेल बॉर्डर एक्सेल बॉटम, या सिलेक्शन की जगह पे आप अपना रेंज दे सकते हैं। सिलेक्शन मतलब कि रन करने से पहले सिलेक्ट था A1 से लेके C10 या C1 कर देता हूं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट रैप टेक्स्ट करना है, ओरिएंटेशन बदलना है, एंगल चेंज करना है कि नहीं करना है, एड इंडेंट, यहाँ जो इंडेंट होता है ए वाली डालना है या नहीं डालना है, डालना है तो कितना लेवल डालना है, उसके स्ट्रिंग टू फिट करना नहीं करना है, मर्ज सेल करना है नहीं करना है, करना है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स कर सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि सारा अप्लाई करना है, आपकी जो जरूरत है वो अप्लाई कर दीजिए, जो जरूरत नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। समझ गए सर? सर ये विथ वाली कमांड में सब सेम होना चाहिए, मतलब जो आपकी रेंज है वो जी हाँ जी, आपका ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए जहाँ आप अपना मेंबर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम A1 से C1 पे अप्लाई कर रहे हैं इतने सारे मेंबर। अच्छा, अगर एक भी बीच में चेंज करना है तो उसके लिए विथ से बाहर आ फिर विथ, हाँ विथ से बाहर करना होगा। क्या समझ में आ रहा, किसको दिक्कत था, समझ में नहीं आया था? हेलो, क्या इसमें सब ऑप्शंस हैं सर, मतलब डबल अंडरलाइन जितने भी आपके उसमें निकलते हैं एक्सेल में वो सब इसमें आ जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको मान लीजिए कि अलाइनमेंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, ये आपका रैट टेक्स है, ये आपका इंडेंट लेवल है, नहीं इसका ये आपका ओरिएंटेशन है मतलब कि एंगल चेंज करने का, ये आपका रैप टेक्स है, ये आपका इंडियन लेबल है, ये आपका मर्ज है, ये सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीरियर के बारे में बताइएगा क्या सर, जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आई आपकी सर। इंटीरियर के बारे में पूछ रहा हूँ। इंटीरियर तो बैकग्राउंड कलर के लिए होता है ना, तो सिंपल लाइन है कि आप अपना जहां अप्लाई करना है उसका लोकेशन दीजिए रेंज के अंदर, इंटीरियर डॉट कलर। अब कलर क्या आ गया, आप दो वीवी ग्रीन ब्लू श्याम जंडा डाल दीजिए, या आरजीबी डाल दीजिए, या फिर कलर के जगह पे कलर इंडेक्स डाल दीजिए। क्या बोल रहे हैं सर, आपकी आवाज पता नहीं चल रही, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, जोर से बोले थोड़ा सा। लाइन स्टाइल के बारे में पूछ रहा हूँ। लाइन स्टाइल तो इसका है ना, बॉर्डर का है ना सर। लाइन स्टाइल मतलब कि आप बॉर्डर अप्लाई करना, जब बॉर्डर अप्लाई आप करते हैं, मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो लाइन स्टाइल वन कर दिया, इसका मतलब है कि ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देगा। इसको एक्सेल कंटिन्यूअस भी कहते हैं। बाकी जो बॉर्डर की और भी चीजें से ये भी है टॉप बॉटम वगैरह, ये चीजें मैं अभी नहीं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं, कुछ दिन बाद बताऊंगा, ठीक है। समझ गया सर? गांधी जी समझाया आपको? यस सर, यस सर, यस सर। सचिन जी को डाउट है आपको? सचिन जी कोई डाउट है आपको? ओके सुशील जी समझ में आया आपको? तो अभी आपको क्या करना है कि इस कोड के अकॉर्डिंग मुझे एक फॉर्मेट बना के देना है आपको, ठीक है जी।
अब फॉर्मेट में आप डिसाइड कर लीजिए कि अटेंडेंस फॉर्मेट बनाना है, इनवाइस बनाना है, बिल बनाना है, रोस्टर बनाना है। आप अपने हिसाब से एक कोड जनरेट कीजिए, इसको रन करते ही एक मेरा टाइम मैंने कि एक फुल फॉर्मेट तैयार कर दे, ठीक है जी। फिर हम अगली क्लास में इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।